कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद एसी भक्ति वेदांति स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमान जितामृत प्रभु जी की जय। मैं जानवी शर्मा आज आपको भगवत गीता के पहले अध्याय के 12वें श्लोक के बारे में बताऊंगी। तो भगवत गीता के पहले अध्याय का 12वां श्लोक है, तस्य संजनयन हर्षं कुरु व्रद पितामह सिंहनादं विनद्योच्चै शंखं दद्मो प्रतापवान। अर्थात इस श्लोक का अर्थ है, तब कुरु वंश के वायुव्रत परम प्रतापी एवं व्रत पितामह ने सिंह गर्जना की ध्वनि करने वाले अपने संग को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। इस श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को दुर्योधन की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। संजय ने अभी तक दुर्योधन की उन बातों का वर्णन किया है जो उसने द्रोणाचार्य से कही, परंतु गुरु द्रोण ने उसकी किसी भी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि दुर्योधन उन पांडवों के प्रति ईर्ष्यालु था जो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। दुर्योधन के जीवन का लक्ष्य है पांडवों को मारकर तथा पराजित कर पृथ्वी का राज्य प्राप्त करना। राज्य प्राप्त करने का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति, जबकि पांडवों के जीवन का लक्ष्य है कि श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए युद्ध करना, युद्ध करके राज्य प्राप्त करना और श्री कृष्ण की महिमा को संपूर्ण विश्व में फैलाना। चूंकि द्रोणाचार्य दुर्योधन तथा पांडवों के बीच का यह दिन रात का अंतर भली भांति जानते थे, अतः उन्होंने दुर्योधन की किसी भी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। इससे पता चलता है कि यद्यपि विवश होने के कारण द्रोणाचार्य दुर्योधन के पक्ष में तो अवश्य थे, परंतु उनका संपूर्ण हृदय पांडवों के पक्ष में था तथा यह स्थिति पितामह भीष्म की भी थी। पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य ये दोनों अच्छी प्रकार से जानते थे कि पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण है तथा जहाँ श्री कृष्ण है वहां संपूर्ण विजय तथा संपूर्ण धर्म है। भीष्म और द्रोणाचार्य ये दोनों महापुरुष दुर्योधन की बातों से ना तो प्रसन्न हुए और ना ही दुर्योधन की बातों का कोई उत्तर दिया। गीता के 9वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान कहते हैं, जिन लोगों का स्वभाव अशुरु तथा मूर्खों जैसा होता है वे लोग श्री कृष्ण को साधारण मनुष्य समझकर इंद्रिय तृप्ति के द्वारा अपने जीवन को सुखी करने का प्रयास करते हैं, परंतु इन लोगों के समस्त आशाएं व्यर्थ हैं, इनके सभी कर्म व्यर्थ हैं तथा इनका ज्ञान भी व्यर्थ है। पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य ये दोनों महापुरुष समझते थे कि दुर्योधन को जिस विजय की आशा है वह व्यर्थ है, उसके कर्म व्यर्थ है तथा जो अभी अभी उसने ज्ञान व समझदारी की बातें की हैं वह भी व्यर्थ है। इस घटना से अवश्य ही दुर्योधन के मन में शोक उत्पन्न हुआ होगा, इसलिए इस श्लोक में संजय ने कहा कि दुर्योधन के शोक भरे हुए मन में हर्ष उत्पन्न करने के लिए पितामह भीष्म ने शंख बजाया। इस श्लोक में पितामह भीष्म को कुरुव्रत कहा गया है तथा व्रत शब्द के दो अर्थ हैं, पहला वायुव्रत तथा दूसरा ज्ञान व्रत। भीष्म जी कौरव सेना के मध्य में दोनों प्रकार से वृद्ध थे। शारीरिक अवस्था से वृद्ध होने के कारण उन्हें इस श्लोक में पितामह भी कहा गया है तथा वृद्ध शब्द का तात्पर्य विशेष रूप से ज्ञान वृद्ध है। भीष्म जी श्री कृष्ण की महिमा में गंभीर रूप से निपुण थे, परंतु दुर्योधन उनसे क्षणिक हर्ष की ही प्राप्ति कर रहा है, वह श्री कृष्ण की महिमा का ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहा है। यद्यपि युद्ध के अंत में युधिष्ठिर महाराज ने भीष्म जी से तब तक श्री कृष्ण की महिमा सुनी जब तक उनकी श्वासें चलती रही। इस श्लोक में भीष्म पितामह को प्रतापवान भी कहा गया है, जिसका अर्थ है जिससे मृत्यु से भय ना हो। भीष्म पितामह इतने निर्भय थे कि उन्होंने अपने मृत्यु के पूर्व ही तिथि तथा समय निश्चित कर दिया था और अधिक से अधिक संख्या में लोगों को बुलाकर यह संदेश दिया कि किस प्रकार कृष्ण भक्त भौतिक शरीर को त्याग कर
श्री कृष्ण की दिव्य सेवा को प्राप्ति करता है। श्रीला प्रभुपाद की तुलना भीष्म जी से भी की गई है, क्योंकि उन्होंने श्रीमद् भागवत की व्याख्या करते हुए शिष्यों से घिरे हुए अपने शरीर का त्याग किया था। हरे कृष्णा। ग्रंथ राज श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमान जितामित प्रभु जी की जय। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आप नए श्रोता हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिले। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा।